जीवन एक सुखद यात्रा है। यदि आप इस यात्रा के हर पल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इसे खुलकर जिए। सुप्रभात, स्वागत है आपका सन सी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना पर अपना रोष जताया, कहा इनफ इज इनफ। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर बयान जारी कर राष्ट्र से जागने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 44वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 76,500 करोड़ रुपए से अधिक की 7 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा में सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और कोयला, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों की एक एक परियोजना शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वान क्लेवरेन और उनकी प्रतिनिधिमंडल का भारत में किया स्वागत। द्वितीय भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न। 2024 के पैरालंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 अगस्त को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। इन खेलों का उद्घाटन समारोह बुधवार रात 11:30 बजे शुरू हुआ। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का ऐसा कहर बरपा कि रिहायशी इलाकों से लेकर सड़कें और रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इस बीच गुजरात में अभी और बारिश होगी जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ना तय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना पर अपना रोष जताया है। इस जघन्य घटना की उन्होंने घोर निंदा की है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर बयान जारी कर राष्ट्र से जागने का आह्वान किया है। अपने बयान में उन्होंने लिखा कि राष्ट्र स्तब्ध है। अधिक निराशाजनक तथ्य यह है कि यह अपनी तरह की एकमात्र घटना नहीं थी। यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक हिस्सा है। कोई सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता है। राष्ट्र का नाराज होना लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 76,500 करोड़ रुपए से अधिक की 7 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और कोयला, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों की एक एक परियोजना शामिल है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता परियोजना के अपेक्षित लाभों से भी वंचित हो जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने रेल मंत्रालय की लगभग 6,456 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़कर लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, मौजूदा लाइन क्षमता बढ़ाने और परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, जिससे तेजी से आर्थिक विकास होगा। नई लाइन के प्रस्तावों से सीधी कनेक्टिविटी बनेगी और आवागमन में सुधार होगा तथा भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा संबंधी विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर बेहद जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत की परिकल्पना के अनुरूप हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास होगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा और उनके रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो
शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। भारत जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित करेगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है, जिससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। 10 राज्यों में फैले और रणनीतिक रूप से नियोजित 6 प्रमुख गलियारों के साथ ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग होगी। रेलवे के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। ये हाईली इम्पॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है। कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए। 234 नए शहरों में 730 निजी FM रेडियो शुरू होंगे। कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये अपना बहुत क्लियर एक विजन रखा कि किसानों की इनकम में इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो इसी अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे एग्री इंफ्रा फंड में 3 बड़े एक्सपेंशन किए गए हैं। आज पहला एक्सपेंशन किया है कि इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एक्टिविटी, ये जो वर्ड है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, इसका मीनिंग है प्राइमरी प्रोसेसिंग तो पैकेजिंग स्टोरेज उससे रिलेटेड हुई, और सेकेंडरी प्रोसेसिंग यानी उसका फूड का नेक्स्ट लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन इसमें होता है। सेकेंड हुआ कि जो पीएम कुसुम है कि किसान अपने खेत पे सोलर प्लांट लगा के उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में बेच सकते हैं। किसानों को जो इन्वेस्टमेंट लगता है सोलर प्लांट लगाने में, वो अब एग्री इंफ्रा फंड के थ्रू फंडिंग उसकी पॉसिबल होगी। थर्ड बड़ा लिया गया है कि जो प्रोजेक्ट है उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड इसमें क्रिएट किया गया नाबार्ड के अंदर। ये सारे एक्शंस, सारे डिसीजन से किसानों को अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने का बेनिफिट मिलेगा और उनकी इनकम में बढ़ोतरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वान क्लेवरेन और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। यह स्वागत द्वितीय भारत चिली संयुक्त आयोग बैठक के लिए था। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने चिली के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने की खुशी जाहिर की और व्यक्तिगत संवाद के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने चिली की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में मूल्यवान भागीदारी की सराहना की और चिली के राष्ट्रपति द्वारा दी गई सुरक्षा टिप्पणियों की भी तारीफ की। डॉक्टर एस जयशंकर ने अल्बर्टो वान क्लेवरेन का स्वागत किया और अपनी बात कही। Let me welcome you and your delegation to India. It's really a great pleasure to have you all here for the meeting of the second India-Chile Joint Commission meeting. The first one we did quite a few years ago, and that was during the COVID time. It was in virtually. So I'm really glad that we have an opportunity to meet in person. This commission has been a cornerstone of our bilateral relationship, representing the first structured and regular dialogue at the highest levels of government in our diplomatic history.
The outcomes of our first meeting held virtually on October 16, 2020, due to the pandemic, clearly demonstrated the broad and diverse agenda of cooperation that has evolved between our countries over the years, and highlighted our mutual commitment to expanding and deepening these ties. It's an honor, really, to co-chair this high-level commission with you, Dr. Jaishankar. This meeting is particularly significant as we commemorate the 75th anniversary of our diplomatic relations, a partnership that has only grown stronger since its inception in 1949. बहरहाल ये बैठक भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का उद्देश्य रखती है, जिसमें विभिन्न आपसी हितों के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 अगस्त को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। इन खेलों का उद्घाटन समारोह बुधवार 11:30 बजे शुरू हुआ। पैरालंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक थे शॉटपुट स्टार और 2022 एशियाई पैरा गेम्स के रजत पदक विजेता भाग्यश्री जाधव तथा जेवलिन स्टार और मौजूदा विश्व रिकॉर्ड धारक सुमित अंतिल। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 84 सदस्यीय दल भेजा है, जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दल है। भारतीय खिलाड़ी इस बार 22 खेलों में से 12 में प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय एथलीट पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडो और पैरा रोइंग में पहली बार उतरेंगे। भारत का अभिमान आज पैरा बैडमिंटन में शुरू होगा, जहां कृष्णा नागर पुरुष सिंगल्स में अपना खिताब बचाने के लिए उतरेंगे। अवनी लेखरा और मनीष नरवाल भी पैरा निशानेबाजी में निशाना साधेंगे। पैरा तीरंदाजी, पैरा साइकिलिंग, पैरा ताइक्वांडो, पैरा तैराकी और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी आज भाग लेंगे। बुधवार को जनधन योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं, 10 ईयर्स ऑफ जनधन। सभी लाभार्थियों को बधाई और उन सभी का अभिवादन जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए काम किया। जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से नमो ऐप पर वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से जुड़ी एक प्रश्नोत्तरी भी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से आग्रह किया कि नमो ऐप पर जनधन योजना पर एक रोचक क्विज है, इसमें हिस्सा जरूर लें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने नई दिल्ली में फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स और कॉन्क्लेव 2024 के छठे संस्करण के उद्घाटन पर बताया कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने सड़क ऑडिट और एम्बुलेंस वाहनों के तकनीकी उन्नयन की जानकारी भी दी, ताकि घायलों को समय पर सहायता मिल सके। नितिन जयराम गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि मानव व्यवहार में बदलाव के माध्यम से भी कम किया जा सकता है। रूल्स ऑफ द रोड पहल के तहत शिक्षा संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने उद्योग निकायों और शिक्षा संस्थानों से सड़क सुरक्षा ऑडिट में सहयोग की अपील की। फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स के माध्यम से उन निकायों और व्यक्तियों को मान्यता दी गई है, जिन्होंने सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मरने वालों लोगों की संख्या ये रोड एक्सीडेंट्स में है, और इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें से सबसे पहला कारण है रोड इंजीनियरिंग। टोटली डीपीआर ये क्वालिटी नहीं है, अब हमने उसमें थोड़ी पॉलिसी बदली है, पर जो लोवेस्ट आता है उसको देना पड़ता है काम, और इसलिए मैं आपसे पहला सहयोग मांगूंगा कि हम लोग, आप और हम मिलकर एक अच्छी योजना जिसमें आप सहयोग करिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमने अभी डीपीआर बनाने के बाद हर रोड का, रोड बनाने के पहले जो डीपीआर है उसका रोड एक्सीडेंट के हिसाब से अध्ययन करना,
और रोड बनने के बाद रोड सेफ्टी ऑडिट करके रूप में काम करना, इसमें नए इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईआईटी ऐसे लोगों के इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता, पर आप अगर स्पॉन्सरशिप लेके उनसे ये रिपोर्ट तैयार करके अगर हमको देंगे तो इसका बहुत उपयोग होगा। गुजरात में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं लग रही है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की भविष्यवाणी भी की है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली जानवरों को शिकार से बचाने के लिए किए गए स्टार्टअप के लिए अरुणाचल की लिखा नाना की सराहना की। लिखा नाना से सुनिए कि कैसे राज्य सरकार ने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में उनकी मदद की। Our startup is all about a replica of animal parts that we use in our traditional wares. Being a tribal, we use animal parts in our traditional wares. As of now, we have fully developed, or we are providing tiger teeth, leopard teeth, and we are about to launch the hornbill beak. I would like to thank Arunachal Pradesh Investment and Innovation Park. Through their program, हम लोग को सीड मनी मिला है और 5 लाख हम लोग ने ये स्टार्टअप को स्टार्ट किया है ना। सीड मनी से हम लोग ने प्रिंटर खरीदा है, 3D प्रिंटर, एंड उसके बाद स्कैनर खरीदा है, एंड उसका मटेरियल जितना हम लोग जो मटेरियल अभी यूज किया जा रहा है ना, उसको हम लोग और सब के खरीदा है। एंड सिर्फ यहाँ सीड मनी नहीं, हम लोग को लिटरली हम लोग को गाइड किया गया है कि हम लोग कैसे करके बिजनेस करना है, हाउ हम लोग को कैसे ये सबको स्टेप बाय स्टेप हम लोग को कहाँ पे फंडिंग करना है, क्या चीज़ में कहाँ यूज़ करना है, कितना हम लोग खुद भी सैलरी लेना है ना, वो सब को हम लोग को लिटरली उन लोगों ने हम लोग को क्लास लिया है ना, जिसका थ्रू से हम लोग एनिमल्स को बचाएगा एंड ऑल्सो कल्चर को भी हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं ना। ये हम लोग का सोसाइटी के लिए, हम लोग पब्लिक को एक मैसेज है। भारतीय संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया था। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने की थी। इनके अतिरिक्त इस समिति में व्यापक कानूनी अनुभव वाले सदस्य एन. गोपालस्वामी, अल्लादी कृष्णस्वामी, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव, टी.टी. करमचारी, कृष्णमचारी शामिल थे। समिति ने 114 दिनों तक बैठक की और 6 महीने से भी कम समय में मसौदा तैयार कर लिया। इस समिति को संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता था। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये वीडियो। 29 अगस्त 1947 वह दिन जब दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का बोध कराने वाले भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कुल 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री एन. गोपाल स्वामी आयंगर, श्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला, श्री डी.पी. खेतान और श्री बी.एल. मित्तर इस प्रारूप समिति के सदस्य मनोनीत हुए। प्रारूप समिति ने 30 अगस्त 1947 को अपनी प्रथम बैठक के साथ कुल 141 बैठक कर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान के प्रारूप पर कुल 7635 संशोधन भेजे गए, जिनमें से 2473 संशोधन सभा में प्रस्तुत किए गए। 14 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार कर सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें कुल 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां निहित थी। अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण देश में लागू किया गया। हम भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का अधिकार देने वाले अप्रतिम दस्तावेज एवं विश्व के सबसे बड़े हस्तलिखित संविधान के मनीषियों को संविधान प्रारूप समिति के गठन दिवस पर शतशत नमन।
25 से 28 अगस्त तक लद्दाख में एयरो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लद्दाख की खूबसूरत वादियों में हॉट एयर बैलून की सवारी से लेकर पैराग्लाइडिंग का रोमांच, सच में तस्वीरें बता रही हैं कि ये अविस्मरणीय अनुभव रहा। चलिए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं लद्दाख एयरो फेस्टिवल की इस वीडियो के साथ। मुझे फुल पावर भारत माता की जय। My name is Bimala Tikari and I'm from Nepal. We had a fantastic